नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमरिस किंग। NFT का नाम फाइनेंशियल वर्ल्ड में थोड़ा नया है। यही वजह है कि इससे जुड़ी कोई भी बात न सिर्फ सुर्खियां बटोरती है बल्कि लोगों में उत्सुकता भी जगाती है। एक बार फिर से NFT चर्चा में है, कारण इससे जुड़ी नई शुरुआत। अभी तक हमें पता था कि NFT लोग अपनी क्रिएटिव क्रिएशन के लिए लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अब NFT को एक नया रूप मिल गया है। क्या है ये नया रूप और क्यों जानना जरूरी है इसे, देखिए ये रिपोर्ट। फाइनेंशियल मार्केट में हाल के दिनों में क्रिप्टो और NFT सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। हालांकि दोनों के बारे में जितना ज्यादा बज है, जानकारी के नाम पर हालात उतने ही खराब। यानी आम आदमी को सब कुछ गोल गोल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही मार्केट में तेजी से इजाफा हो रहा है। NFT की बात करें तो हमारे देश में भी अब इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसके ऐसे तरीके ईजाद हो रहे हैं कि आम आदमी इससे ज्यादा जुड़ सके। डिजिटाइजेशन के इस दौर में अब हर कोई अपनी NFT लॉन्च करे ये संभव नहीं है, लेकिन इसे हासिल हर कोई कर सकता है। दरअसल टिकट इंडस्ट्री में अब NFT की एंट्री हो चुकी है और इन्हें इवेंट्स के टिकट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए कई नए मल्टी चेन NFT बेस्ड टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हैं। ये प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टिकटों के प्रोडक्शन और सेल के लिए एक ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना रहे हैं। भारत में ब्लॉक टिकट और मेटापास जैसी कंपनियां इस दिशा में सक्रिय हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को वर्चुअल और फिजिकल इवेंट्स, म्यूजिकल इवेंट्स और फिल्मों के टिकट को NFT के रूप में बेचने में मदद कर रही हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स टिकटों को NFT के रूप में पर्सनलाइज्ड टिकट देकर खरीदारों के साथ जुड़ सकते हैं। NFT टिकट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे टिकट संबंधी धोखाधड़ी पर काबू पाने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन टिकट सिस्टम की खामियों को भी दूर किया जा सकता है। ब्लॉक टिकट की बात करें तो बीते 11 महीने में कंपनी ने 7 इवेंट्स के 5000 NFT टिकट बेचने में सफलता हासिल की है। वहीं खरीदारों का मानना है कि वो इन NFT टिकट्स को इवेंट्स की याद के तौर पर सहेज सकते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर इन्हें सेकेंडरी मार्केट में बेचा भी जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि NFT का ये दांव कितना सफल होता है। ईटी नाउ स्वदेश। तो बेशक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक आम निवेशक या इंसान उससे आइडिया आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? जैसे NFT टिकट काम कैसे करेगा? NFT टिकट का इन्वेस्टर के तौर पर फायदा कैसे होगा, किसे मिलेगा? एक इन्वेस्टर के लिए क्या इन टिकट्स के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट होगी? कितना सेफ है NFT टिकट खरीदना? क्या इस तरह की खरीदारी पर कोई टैक्स भी आपको चुकाना होगा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक दमदार पैनल भी आज जुड़ा हुआ है। आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। अभिनव गर्ग, फाउंडर ब्लॉक टिकट्स, हमारे साथ है। ओ मालविया, प्रेसिडेंट ऑफ टिजॉर्स इंडिया। एनोश, को फाउंडर मेटापास। नैमिश संघवी, फाउंडर कॉइन क्रंच इंडिया। ओशीन महाजन, मल्टीपल डाओ कॉन्ट्रीब्यूटर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आप सभी को देखकर तो मुझे लग रहा है कि NFT की टिकट इंडस्ट्री में एंट्री के साथ साथ आज एक NFT की क्लासरूम ही हो जानी चाहिए, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि आखिर NFT किस बला का नाम है। तो नैमिश, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि अमूमन आप शोज पे इस तरह का किरदार निभाते हैं जहाँ पर आप एक बैकग्राउंडर हमें रख के देते हैं, समझाते हैं। तो NFT को लेकर हमेशा सुर्खियाँ जो हैं हमें नए नए रूप में आती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अब की बार नैमिश समझ में आ रहा है कि टिकट इंडस्ट्री में भी NFT का इंट्रोडक्शन हो गया है। अभी तक तो हम यही देख रहे थे कि सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट जो है अपने अपने डिजाइन को NFT के तौर पर उसको बनाकर बेच रहे हैं, लेकिन ये एक नया ट्विस्ट है कहानी में। Web3 की इस कहानी में ये नया इंक्लूजन एडिशन क्या है? कविता, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे शो में बुलाने के लिए ये सारे पैनलिस्ट के साथ। मैं एक शॉर्ट में समझाना चाहूंगा कि हम अब तक जिस तरह से NFTs को देखते थे, वो जैसे आपने बोला कि आर्टिस्ट या सेलिब्रिटीज ने अपना अपना डिजिटल आर्ट निकाला और उसको NFT के दौर पे बेचा गया या ट्रेड किया गया, उसी
उसी से वाकिफ है हम लोग अभी। लेकिन एनएफटी जो है वो इट स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि एक टोकन, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर जो यूनिक है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो अपने आप में कॉपी नहीं किया जा सकता। तो ये जो टोकन है इसको आप सिर्फ आर्ट या सिर्फ किसी एक चीज से लिमिट नहीं कर सकते, आप इसको बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे अब तक हम देख रहे थे वो आर्ट के रिलेटेड था, तो जो जो NFTs थी आर्ट की वो एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन का काम निभाती थी, यानी कि वो एक सर्टिफिकेट देती थी या वो एक प्रमाण पत्र देती थी कि ये जो आर्ट है ये आर्ट यूनिक है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर उसका प्रूफ है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं शो में वो है टिकटिंग की। तो उसी प्रिंसिपल को आगे लेके सोचे तो हम जब भी किसी कॉन्सर्ट या किसी मूवी या किसी एक्सक्लूसिव शो में जाते हैं तो हमें जो है टिकट्स दिए जाते हैं। आजकल डिजिटल हो गए टिकट्स, बुक माई शो वगैरह के थ्रू, पहले टिकट स्टब्स दिए जाते थे। अब अगर हम उस शो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तो हम इन टिकट्स को जो है वो संभाल के रखते हैं। अब मान लो कि आपको ये टिकट तो संभाल के रखना है बट आप उसको ध्यान नहीं रख सकते, या कोई उसको कॉपी कर सकता है, या आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते कि आपके पास जो टिकट है वो ओरिजिनल है। सो आपने एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन यानी कि एक नॉन फंजिबल टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना लिया, जो ये प्रूव करता है कि इस इवेंट का जो टिकट है वो आप ही का है, आप ही के एड्रेस में है, आप कभी भी उसको देख सकते हो, आप कभी भी उसको किसी को दिखा सकते हो और वो हमेशा वहां पे रहेगा एक प्रूफ की तरह कि आपने ये कॉन्सर्ट अटेंड किया था और आप इसके इस टिकट के ओनर है। और आगे चल के अगर चाहे तो उन टिकट्स के बेसिस पे आप और रिवॉर्ड्स भी क्लेम कर सकते हो। तो हमने डिजिटल टिकट्स को एसेंशियली एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के ऊपर डाल दिया है ताकि उसके साथ कोई टेम्परिंग ना की जा सके, ना उसको कॉपी किया जा सके, और वो यूनिकली वहां पे रहे और आपकी एक आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाए वो टिकट, जो हर सुपर फैन चाहता है अपने कॉन्सर्ट या अपने किसी इवेंट के टिकट के साथ होना। दिस इज हाउ एनएफटी टिकट्स आर वर्किंग। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ब्लॉक टिकट्स और मेटापास दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारे साथ हैं, अभिनव और एनोश। अभिनव आपके पास आऊँगी, तो जो नेमिश ने मुझे समझाया है बताइए कि ये सही मैं समझी हूँ या नहीं हूँ। तो कल परसों अगर मुझे टुमारो लैंड या मान लीजिए डेविड गेटा के किसी बड़े कॉन्सर्ट में जाना है विदेश में, उसके लिए मैं एक टिकट खरीद सकती हूँ जो कि NFT के रूप में होगा, उसे संभाल सकती हूँ और आने वाले वक्त में इससे कमाई भी कर सकती हूँ, क्या मैं सही समझ रही हूँ? कह रहे हैं आप, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट इंट्रोडक्शन, बट ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो टिकट है इट्स अ कलेक्टेबल आइटम। और ये जो टिकट, पहले ब्लॉकचेन एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसपे हम NFTs का उपयोग कर रहे हैं। ब्लॉकचेन में टिकटिंग क्यों आज तक नहीं की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें जो गैस फीस थी, जिसमें मिंटिंग की कॉस्ट थी इथेरियम के ऊपर, वो बहुत ज्यादा थी, जिसके अंदर आप $100 तक भी पे कर सकते थे एक टिकट के ऊपर। तो उस टाइम पे इस चीज का कुछ उपयोग नहीं हो पा रहा था, बट क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी लेयर 2 आ गई है, जैसे अपने पॉलीगॉन है या अदर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी वजह से अब क्या हुआ है कि एक एक्सेसिबिलिटी मिल गई है हमारे को, क्योंकि अब जो गैस फीस है कम डाउन टू लाइक 0.03 सेंट्स। सो ऑटोमेटिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक यू नो नया एक रूप मिल गया जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो टिकट एक इवेंट की हो, चाहे मूवी की हो, चाहे पार्किंग गैराज में पार्किंग की क्यों ना टिकट हो, एनीथिंग आप जो भी सोच सकते हैं आज की डेट में जो एक यूटिलिटी हो सकती है फॉर रिजर्वेशन, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, टिकट एयरलाइन इंडस्ट्री हो, हर चीज के अंदर ही उपयोग किया जाएगा। और हर एक चीज का डिफरेंट उपयोग है। आप एक कॉन्सर्ट देखने जाएंगे तो ऑब्वियसली आप एक टिकट को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके और बेनिफिट्स हैं क्योंकि आप मार्केट प्लेस है, अब आप एंड मोमेंट में जाके टिकट खरीद सकते हो और आपको जरूरत नहीं है कि किसी के पास जाने की भी, और आप प्राइस भी वो पे करोगे जो फेयर मार्केट वैल्यू पे है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजर रॉयल्टी भी कमाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने टिकट बेची और दूसरे बंदे ने किसी और को बेची और ऑर्गेनाइजर को कुछ मिलता नहीं था पहले, बट नाउ रॉयल्टीज आर बिल्ट इन टू द प्रोडक्ट कि 20% 30% जो रॉयल्टी है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजर के पास पास ऑन हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स फेक टिकट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काफी बार QR कोड इज नॉट वेरीफाइड, आप वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक आप साइट पे नहीं जाते और आप स्कैन नहीं करते टिकट को, आपको नहीं पता कि इसके आपका जो QR कोड वैलिडेटेड भी है या नहीं। बट अब क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर है तो आप एक्चुअली पास में जाके देख सकते हैं
किसने किसको टिकट बेची, कितने की टिकट बेची, कब बेची और किसने बनाई थी टिकट। दैट चेन इज लाइक अ प्रॉपर्टी चेन। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इट्स लाइक अ टाइटल टाइटल चेन। तो आप वो पूरा वेरीफाई करके एज अ यूजर एनीबडी कैन वेरीफाई। दैट्स व्हाई हमने जो अपना प्रोडक्ट बनाया वो एक्चुअली पॉलीकॉन चेन पे है, जो कि पब्लिक चेन है, जिसके ऊपर आप कोई भी जाके कहीं भी जाके वो हैशटैग के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका किसने बनाई थी टिकट, वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर और बहुत चीजें जो हम वर्किंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया हमने इसको। अब क्या है कि इवेंट जब होते हैं ऑर्गेनाइजर्स के पास, ये जो एंगल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, अभिनव मैं आगे चलकर चर्चा में लेकर आऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है जिसके ऊपर ये आधारित है, तो मैं चाहती हूँ कि ओम थोड़ा सा इस पर हमें विस्तार से बताए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दो तीन कुछ नाम लिए थे अभिनव ने, जो मैंने सुने तो सही लेकिन समझ में नहीं आए, दर्शकों को भी जरा समझा दें किन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जैसे नेमिश ने बताया, नेमिश ने दो टर्म यूज किए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, फिर अभिनव ने बोला ब्लॉकचेन। तो एसेंशियली आपका जो एनएफटी होता है ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। और एक और टर्म आया यहाँ पे जो अभिनव ने बोला पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है। तो अब इसमें मोटा मोटा बताया जाए तो ब्लॉकचेन दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। सो प्राइवेट हो गया, मान लो कि चार लोग घर में हम सबने मिलकर एक कुछ ब्लॉकचेन बना ली जो हम ही आपस में ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। और अब नेमिश को मान लो ट्रांजेक्ट करना है मेरे साथ, तो नहीं कर सकता। ट्रांजेक्ट में आप करेंसी ट्रांजेक्ट कर सकते हो, एनएफटी कुछ भी डिजिटल डेटा, राइट। तो अब पब्लिक ब्लॉक प्राइवेट ब्लॉकचेन का ये है कि पहली चीज तो वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, सेकंड है कि वो उससे आपको एक पब्लिक ये पब्लिकली वेरीफाइबल नहीं होता है। पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब यही है कि कोई भी जाके उसको वेरीफाई कर सकता है कि हाँ ये जो इवेंट है, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये सच में हुई है या नहीं। अब मैंने मान लो आपको एक एग्जांपल देना हो, तो आप जैसे डेविड गेटा की बात कर रहे थे, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करता हूं। एक प्लेटफॉर्म है oneoff.com जो है, उस पे तो मैं एक आई आर्ट रेडियो फेस्टिवल होता है जिसमें डोजा कैट जो आज के जमाने की डेविड गेटा है उसका मैंने एक टिकट खरीदा, ठीक है, एज एन एनएफटी टिकट था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कि चलो ऐसे इसको खरीदते, क्या पता लोग इतने ज्यादा उतावले हो इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए कि कोई मेरे को $50 का $200 भी देता। ऐसे मैं खेल रहा था, जस्ट प्लेइंग अराउंड। तो मैंने वो टिकट खरीदा और फिर चलो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे निवेशक की उसकी वैल्यू बढ़ गई, 50 का ही था, पर मैं तो अब यूएस जा नहीं सकता उस इवेंट में अटेंड करने के लिए, मैं तो ऐसे प्ले अराउंड कर रहा था। तो फिर मेरे को किसी ने टेक्स्ट किया, बिकॉज आपके जो प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर आपका ट्विटर टेलीग्राम ये भी वेरीफाइबल होता है, तो आप किसी टेक्स्ट किया कि भाई मेरे को जाना है यहाँ पे, आप मेरे को ये $50 में भेज सकते हो क्या। तो अब मेरा आई वॉज एबल, मैं इस ये करने में एबल था कि मैंने उसको उससे वॉलेट एड्रेस मांगा उसका और मैंने उसको भेज दिया और उसने मेरे को कर दिया, ठीक है, भेज दिया। तो एक तो ये ट्रांसफरेबिलिटी है जो एनएफटी की, ये बहुत यूनिक है। दूसरी जो वेरीफाइबिलिटी, अब मैंने उसको टिकट जो बेचा है, भले मैं इंडिया में बैठा हूँ और यूएस में भेजा है, पर उसने ब्लॉकचेन पे जाके देख लिया कि यहाँ कोई आदमी मेरे साथ स्कैम नहीं कर रहा है, और अगर वो टिकट वहां पे बताएगा तो सच में उसको एंट्री मिल जाएगी। ये दो बहुत ही बड़े पहलू है इस चीज के जो एनएफटी के टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो अगेन इन टेक्नोलॉजी में आप तीन एनएफटी एक कीवर्ड हो गया, ब्लॉकचेन एनएफटी होते किसके ऊपर है, ब्लॉकचेन में एनएफटी होते किस फॉर्म में, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में। और ये हमें एडवांटेज क्या देता है, ये हमें देता है पब्लिकली वेरीफाइबिलिटी का एडवांटेज देता है, जिसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। और दूसरा ये जैसा अभिनव ने बताया तो भी वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि पूरे मार्केट को ऑर्गेनाइज कर देता है, ठीक है। अभी क्या अभी का दिक्कत क्या है कि मान लो आप भी ये एक्सपीरियंस करते हो गए, आपने मान लो ब्रह्मास्त्र मूवी का टिकट खरीदा पेटीएम मूवीज से, अब वो आप किसी को नहीं भेज सकते, आप वहां पे जाके आपको QR स्कैन कर देगा, बट अगर आप नहीं जा पाए आप किसी को नहीं भेज सकते हो। मे बी आप किसी वन पेटीएम वॉलेट से दूसरे पेटीएम वॉलेट पे भेज सकते हो, ये अभी तक उन्होंने किया नहीं, इट कुड बी पॉसिबल, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी ने बुक माई शो से खरीदा है और वो बुक माई शो वाला जो मूवी टिकट है वो किसी के पेटीएम वॉलेट में भेज दे। तो ये जो है आपका बहुत ही सिलोड है अभी जो करंट सिस्टम है सब। एनएफटी अगर मार्केट ये टिकटिंग में आ जाता है तो पूरा यूनिफाइड हो जाएगा, और एसेंशियली इसमें सबका फायदा है, ये विन विन सिचुएशन है। यूजर्स का भी फायदा है, उनके भी पैसे बचेंगे, अगर मारो मेरे को नहीं जाना और को भेज दिया, जो ब्लैक मार्केट है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। जो मेरे को बैट करनी है किसी, जैसे WWE का इवेंट हो रहा है, मेरे को बैट लगानी है कि मैं $50 का टिकट खरीद देता हूँ, क्या पता लोग इंटरेस्ट लोगे $300 का बिक जाएगा, तो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाएगा। जो आपकी रॉयल्टी से जैसा बात हुई वो भी आपकी रहेगी, और जो आपकी अकाउंटिंग है गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो वो भी अपने ब्लॉकचेन पे जाके आपने डेटा निकाल दिया सीधा कि इन वॉलेट में भाई साहब ट्रांसफर किया इतने में, आपने $100 का प्रॉफिट कमाया तो मेरे को $10 का टैक्स दे।
तो ये काफी मोटा मोटा सारे, पूरा इस चीज से ऑर्गेनाइज कर देगा आप। बिल्कुल काफी सारे पहलू आपने वो यहाँ पे समझाए हैं, लेकिन मुझे अब तक इसका जो ट्रेंड भारत में शुरू हुआ है ना, उसके कुछ आंकड़े चाहिए, उसके कुछ डिटेल्स चाहिए, जो कि मैं अनोश से पूछना चाहती हूँ। और ये सवाल मैं इसीलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि जब आज सुबह इस शो को करने का मुद्दा आया तो हमें ये कहा गया कि आप अपने ऑफिस में 10 लोगों को पूछ लीजिए, उनको कितनी NFT टिकट्स के बारे में जानकारी होगी। जब आपके ऑफिस में लोगों को जानकारी नहीं पता है तो आप शो करके दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अब तक जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, टिकटिंग में इसकी एंट्री हो चुकी है, आने वाला भविष्य इसका इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, अब तक अनुभव कैसा रहा है? एनोश आप बताएं। हाँ, तो अभी तक बहुत न्यू है ये टेक्नोलॉजी NFTs as टिकट्स, और इसका पेनिट्रेशन स्लो होगा मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, जैसे मतलब लोगों को सिखाना पड़ेगा कि वॉलेट कैसे यूज करते हैं वगैरह, बिल्कुल सही। तो एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, ये प्रॉब्लम आता ही है। जैसे हम वेब टू में देख सकते थे कि पहले प्लेटफॉर्म से ना जितने टिकट्स बिके हैं, जो भी लोगों ने खरीदारी की है, दिलचस्पी दिखाई है, वो कितनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर मैं समझ सकूं जागरूकता के लिहाज से लोग कितना विलिंगली इसको अपनाना चाह रहे हैं, आपका अनुभव अब तक कैसा रहा है? अभी तक तो जब लोग सुनते हैं कि NFT टिकट है तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी आती है। Right. अभी हमने एक इवेंट किया था दिल्ली में, वहाँ पर 600 लोगों ने रजिस्टर किया था, और उनमें से काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता था कि NFT मतलब वॉलेट क्या होता है, लेकिन उन लोगों ने वॉलेट बनाया उधर सीखा, तो काफ़ी दिलचस्पी है। और जिन लोगों को पता नहीं है कि मतलब ये ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है एग्जैक्टली, वो लोग भी इंटरेस्टेड है, तो काफी दिलचस्पी है। तो ओशीन, क्या हम यहाँ पर केवल एज वाइज केवल एक ही तबके की बात कर रहे हैं जो थोड़े से अवेयर हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर, या आपको लगता है कि अगर लोगों को सही तरह से जागरूकता दी जाए और इसी तरह के कुछ और ज्यादा शो किए जाएं तो लोगों को समझ में आएगा कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? जो चैलेंजेस अभी एनोश ने भी गिनाए हैं, लगता तो नहीं है कि इन इमीडिएट फ्यूचर लोग समझ पाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना बढ़िया हो सकता है, क्यूरोसिटी लोगों में बहुत ज़्यादा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन डूएबिलिटी, एक्सेप्टेंस, इसको लेकर अभी भी सवाल या निशान है। दैट्स राइट, लाइक आपने बोला, लाइक अनुष ऑल्सो सेड कि देर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, जिनको हाइपर अवेयरनेस है इन चीज़ों की, जो थिंकर करते रहते हैं विद डिफरेंट थिंग्स, ऑब्वियसली उनके लिए मोर ईजीली इस टेक्नोलॉजी को ऑनबोर्ड करना और समझना, बट देर इज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जिनको इस चीज के बारे में समझाना पड़ेगा दैट ये नेसेसरी क्यों है, व्हाई एम आई यू नो आस्क्ड टू काइंड ऑफ वेरीफाई कि मैंने ये कॉन्सर्ट या इवेंट अटेंड किया है, एंड मेरी डेटा की ओनरशिप मेरे पास क्यों होनी चाहिए? सो डेफिनेटली दैट इज देयर, बट यू नो जैसे इंटरनेट थोड़ी थोड़ी देर थोड़े कुछ सालों में आया, आई एम प्रीटी श्योर दिस टेक्नोलॉजी वुड kind of catch up on to people soon, and I'm pretty sure this is the future of sorts. Like Naimish also mentioned ki agar koi event ho raha hai, so abhi aisa koi technology market mein nahi hai jo verify kar sake ki ye artist represent kar rahe hai, ye artist wahan pe perform kar rahe hai, ya fir I am as a person and an individual identity I'm attending that event. So I think this would take up on real quickly, like Anushka mentioned. लेकिन नैमिश, हम यहाँ पे किस तरह के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? अभी तो हम केवल ब्लॉक टिकट्स और मेटापास को ही सुन पाए हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे जिसके जरिए आप इस तरह की टिकट्स खरीद पाएंगे? और केवल कॉन्सर्ट्स ही नहीं, क्या अक्रॉस सेक्टर्स हम इस तरह का कुछ होता हुआ देख पाएंगे? नैमिश बिल्कुल कविता, सो इससे लिए ना हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर जब NFT का बूम चल रहा था तो इनफैक्ट हर कंपनी ने अपनी NFT निकाल दी। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि हीरा नंदानी बिल्डर्स ने भी अपनी NFT निकाल। एक सवाल जो मुझे PCR से भी लोग पूछ रहे हैं, NFT बनाना कितना महंगा या कितना सस्ता होता है? भाई पहले ये बता दो मुझे। ओके, सो इसके लिए ना हमें अभिनव के आंसर पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज उसने क्लियरली बताया जैसे नेटवर्क पे डिपेंड करता है। इथीरियम जो नेटवर्क है वो काफी पुराना है, काफी सिक्योर माना जाता है, लेकिन
उसके ऊपर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी बनाना ओवरऑल एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए लोगों ने और दूसरे नेटवर्क्स निकाले, जैसे पॉलीगॉन हो गया, अपने इंडिया की शान है वो, फिर यू नो तेजोस है, तेजोस में एनएफटीज जबरदस्त चल रही है, और बहुत सारे नेटवर्क्स है जो यही चीज आपको अलाउ करते हैं करने के लिए, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट में, यानी कि अगर इथेरियम में $1 का खर्चा आ रहा है तो आपको इसमें 1 सेंट का खर्चा आएगा, या मान लो कि 2 सेंट का खर्चा आएगा। और जो भी पूछ रहे हैं आपकी पीसीआर से, मैं उन्हें बता दूं कि एनएफटी बनाना बहुत ही आसान है। आप अपनी एक फोटो लीजिए, कोई भी अच्छी पुरानी, या तो एक पेन ड्रॉइंग करे उसकी फोटो खींचे, और ओपन सी पे जाके सिर्फ मिंट का बटन क्लिक करे, वहां से आगे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। So, मैं और अपने पुराने पॉइंट पे आता हूँ। लास्ट ईयर और इस साल बहुत सारी कंपनीज ने अपनी एनएफटी निकाली। मेक माई ट्रिप ने अपनी एनएफटी निकाली थी, जिसमें उन्होंने कैलाइडोस्कोपिक विजन दिखाया था कुछ कुछ लोकेशंस का, गोवा हो गया, या कोयम्बतूर हो गया, पॉन्डिचेरी हो गया, एक्सेट्रा, राइट। सो मेक माई ट्रिप एक्सपेरिमेंटेड विथ डिजिटल एनएफटीज विथ रिस्पेक्ट टू ये डिजिटल इमेजेस, राइट। अब कल को मेक माई ट्रिप बोलेगा कि एक काम करो, अगर आप किसी भी फ्लाइट की टिकट या किसी भी होटल का बुकिंग हमारे थ्रू करते हो तो हम आपको एक डिजिटल एनएफटी देंगे जिसका प्रूफ ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा, और जैसे 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 आप और फ्लाइट टिकट हमारे साथ बुक करते जाओगे, आपकी एनएफटीज जो है वो अक्यूमुलेट होती जाएगी, और जिस दिन आपने 10 NFT अक्यूमुलेट कर दी, आपको एक सर्टन रिवॉर्ड मिलेगा, 100 पे आपको दूसरा रिवॉर्ड मिलेगा। और ये जो है कॉम्पिटिशन जो है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में गेमिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए लोग ये काम और करते रहेंगे, और ये जो सारे डेटा जो है वो पब्लिक को दिखाया जाएगा, पब्लिक के लिए विजिबल होगा, बिकॉज इट विल बी ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन। तो मुझे फ्यूचर ऐसा दिख रहा है कि हर चीज में हम एक डिजिटल टिकट तो आ चुकी है इस वक्त, अब उस डिजिटल टिकट के साथ एक ऑथेंटिकेशन या एक प्रूफ जो है वो अटैच करना बाकी है, जो वो जो गैप है वो एनएफटी सॉल्व करता है, और आगे चल के सारी की सारी जो है टिकटिंग सिस्टम उसमें ये जुड़ जाएगा, और शायद हम इसको उस टाइम में एनएफटी बोलेंगे भी नहीं, शायद ये जब मेनस्ट्रीम हो जाएगा तो हम इसको डिजिटल टिकट की तरह ही बात करेंगे, बट उसके साथ एक जैसे आज हम इंटरनेट की बात करते हैं, ईमेल इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट, वैसे ही एनएफटी या डिजिटल टिकट विल बी अ कॉमन थिंग, कि भाई वो तो ब्लॉकचेन पे ही होनी चाहिए, मतलब अगर आप ब्लॉकचेन पे डिजिटल टिकट नहीं दे रहे हो तो इट इज अ यूजलेस टिकट, मैं भरोसा ही नहीं करूंगा कि आपका इवेंट एक्चुअली जेन्युइन इवेंट है। ये फेज आएगा, मेरा मानना है, आई एम श्योर पूरे पैनलिस्ट का यही मानना है, तभी तो 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे कंपनी खोल के जो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनव, अब आपकी उस बात पे मैं आना चाहती हूँ जहाँ पे आपने कहा था कि ये कमाई और मुनाफे का भी जरिया बन सकता है और बनेगा, तो ये समझाए कैसे होगा, न सिर्फ एक टिकट के तौर पे मैं एनएफटी की बात कर रही हूँ, बल्कि तमाम क्रिएशंस भी जो लोग बना रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट बना रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म एनएफटी लॉन्च कर रहे हैं किसी ना किसी सेलिब्रिटी के, तो कमाई और निवेश का नजरिया मुझे अगर समझना हो अभिनव, समझाए कैसे पूरा होगा। इससे पहले हम ये टॉपिक पे एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा, जो अडॉप्शन की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग एनएफटी टिकटिंग, आज अगर आप चाहें जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने किया है, आपको ये नजर नहीं आएगा कि आप बुक माई शो पे हैं या ब्लॉक टिकट्स पे हैं, क्योंकि आपकी जो बैक इंजन पे हम सारा काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे आपको मिंटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमारे जो टिकट है वो एक्चुअली फियट करेंसी में जाते हैं, विद GST बिलिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर बैक एंड पे सारा हम काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट एंड पे आपको वही यूजेबिलिटी मिलेगी जो एक बुक माई शो पे मिलेगी या आपको एक मेक माई ट्रिप पे मिलेगी। सो अडैप्टेबिलिटी की यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आता, सो एज अ यूजर आपको पता भी लगेगा बैक एंड पे क्या हो रहा है। सो वो हमने एक कवर मास्क कर दिया, तो दैट्स जस्ट आंसरिंग दैट क्वेश्चन, अडैप्टेबिलिटी का क्वेश्चन मेरे को दूर दूर तक नजर नहीं आता, इट्स जस्ट कि आपको मार्केट शेयर में आपको पेनिट्रेट करना है। रिगार्डिंग यू नो फंडिंग, इसके अंदर हमें एक नया प्रोडक्ट निकाला है, जिसके अंदर बिकॉज क्योंकि हमारी एनएफटी टिकटिंग एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन टिकट है, हमने एक प्री फंडिंग का एक एंगल निकाला है, क्राउड फंडिंग भी कह सकते हैं उसको एक तरीके से, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजर आज की डेट में अगर इवेंट करना चाहता है, वो जाता है बुक माई शो के पास या पेटीएम के पास, जो फंडिंग करने के बजाय आप एक्चुअली अपने टिकट को प्री सेल कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। मान लीजिए ₹100 की टिकट है, आपने बोला है ₹50 मेरा खर्चा है, तो ₹50 की टिकट के वर्थ की टिकट्स मैं प्री सेल करना चाहता हूँ एट डिस्काउंट ऑफ से 30%।
आपने 30% पे अपने टिकट को लॉन्च कर दिया। अब हर एक टिकट के पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक एस्को अकाउंट बन जाता है कि जब कोई पैसा देगा एज इन्वेस्टर उसको, तो 5,000 मान लो उसे टिकट खरीदी और 10,000 में टिकट दो लोग हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने इसमें बेहतर भविष्य देखा है फाइनेंशियली, लेकिन समय मेरे पास दरअसल लगभग खत्म ही हो गया है और इसीलिए चर्चा को यहीं समेटना होगा। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बारीकी से न सिर्फ NFT बल्कि इसके टिकटिंग सिस्टम को भी आपने समझाया, दर्शकों की जागरूकता बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी इजाजत, नमस्कार।